हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की वीडियो की शुरुआत भी हो गई है और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे करीब 12:30 बजे से। तो अभी हमारा लंच भी हो चुका है और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज शादी में। शादी है मेरे बड़े ससुर जी की पोती की, यानी कि मेरी भतीजी की शादी है। तो हम सभी लोग रेडी हो गए हैं, कोई हो रहे हैं कोई हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। आज है मेहंदी, तो हम लोगों ने ना कल कोई मेहंदी लगा दी थी रात को, और मेहंदी लगाई थी मेरी बेटी ने, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने, पर ये ढंग से रची नहीं। शायद मेहंदी थोड़ी पुरानी थी तो पता नहीं क्या, अच्छे से लगी नहीं है। दीदी लोगों की तो अच्छी लगी है लेकिन मेरे हाथ में अच्छे से नहीं लगी। और हम लंच भी हमने आज जल्दी कर लिया है, सुबह हमने नाश्ता भी शॉर्टकट बनाया था और लंच भी कर लिया है, लंच भी शॉर्टकट ही बना दिया। तो इसी देर में हमारी गाड़ी भी आने वाली होगी, तो सभी लोग उसी में जाएंगे, अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि सभी लोग नहीं जा पाएंगे उसमें। तो हम एक साथ ही बड़ी गाड़ी कर रखी है तो उसी से हम जाएंगे। तो वो भी कुछ ही देर में आने वाला है, उसको 1 बजे का टाइम दे रखा है तो वो आने वाला होगा। और बाकी हमारा सब कुछ तैयारी तो हो गई है, बस सभी लोग अपना अपना तैयार होने में लगे हैं। अपने सामान की पैकिंग वोकिंग भी हमने कल रात से कर ली थी, बाकी जो छोटा मोटा सामान है उसको सब लोग रख रहे हैं और बाकी तैयारी चल ही रही है। चलो मैं और लोगों से भी आपको मिलवाती हूँ। और बाकी आज मौसम की बात करें तो आज ना हल्की सी धूप है, तेज़ धूप नहीं है, मौसम भी अच्छा हो रखा है, ना ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंड है, मौसम भी ठीक ठाक हो रखा है, अच्छा सा सुहावना मौसम। तो चलो आपको आगे और लोगों से भी मिलाती हूँ मैं। दीदी लोग भी आ रखे हैं दिल्ली से, दीदी और मेरा भांजा, तो वो लोग भी आ गए थे परसों, 3-4 दिन हो गए उनको। तो दीदी लोग भी शादी के लिए आ रखे हैं और उन्होंने, वो भी पहले यहाँ देहरादून आ गए कि साथ में जाएंगे, फिर आज हम यहाँ से सभी लोग साथ में जा रहे हैं। तो चलो आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे तैयार हो रखे हैं सभी लोग, और गाड़ी भी हमारी आने वाली है। तो चलो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। ये मेरा छोटा बेटा तो नहीं जा रहा है, वो यहीं रहेगा और वो लगा है अपने लैपटॉप में काम करने पे। तो चलो अंकु, बाय बाय। उसको ना बहुत शर्म आती है, कैमरे में फेस नहीं करना चाहता। अरे रहा मेरा बेटा अंशुल, रेडी हो चुका है, इधर देख तो हाय कर दो बेटा। दीदी भी रेडी हो गए हैं, हाय करो रे। अरे रहा मेरा भांजा, अरे अरे मेरे बेटी आयुषी, हाँ दीदी भी हो गई तैयार। तो हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सासू जी हमेशा सबका तिलक करते हैं। तो चलिए जी, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और बच्चे लोग सारा सामान ले गए हैं बाहर और गाड़ी में रख रहे हैं, और टाइम भी ना 1 बज चुकी है। बाय। चलो भाई आ जाओ।
रहने हिला लो छाटो ना 12:50 ठीक है ना रौनक कैसा फील हो रहा है पैर खराब हो गया छोटे मेरी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा पीछे बैठ के अच्छा लग रहा है बिल्कुल नहीं आप आ जाओ चलो इसका डब्बा का है तेरे पे तेरे पे था मेरे पे कब दिया मैंने मेरे लग गया अंशुले दीदी बोल रहे मेहंदी लगा के मेरा थंब प्रिंट काम नहीं कर रहा लगा दी मेरे को नीला कौन के डब्बा नहीं दिया था लग गया ये बन लाऊंगा तो मुझे लाऊंगा मैं तुझे पकड़ने का अब लग तो बिल्कुल जब से बैठे तब से चल भाई सो ही रखे हैं अभी तक घर भी आने वाला है हम पहुंचने वाले हैं चलो तुझे कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है अब तुम तो गरम तो नहीं लगने हूँ गरम होने बाद घर पता धीरे धीरे ही नहीं है ना हाँ देहरादून में बहुत ठंड लग रही थी और अभी जैसे जैसे हम इधर कोरदार की साइड को बढ़ रहे हैं तो गर्मी हो रही है अरे बच्चे तुम्हें भी हो रही गर्मी बच्चे चले गए भाई और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं दीदी को कोल्ड ड्रिंक पीनी है और बच्चों को भी टाइम 2:30 हाँ 3 बजे तक पहुंच जाना मतलब 3 बजे तक पहुंच जाएंगे अब जरा सीधे चल नहीं घंटा की ना हाँ अभी हमारे जरा सी अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं कोटद्वार और दीदी लोगों ने ना बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे ये वेडिंग पॉइंट के ही रूम है गेस्ट रूम है यहाँ तो हमारे लिए भी यहाँ एक सेपरेट रूम है और हम सभी लोग इस रूम में रहेंगे और यहीं पे सभी प्रोग्राम यहीं पे होंगे और मेहंदी भी इधर ही है कीर्तन अभी हो रहे हैं और तो अभी हम लोग भी कीर्तन में जा रहे हैं कीर्तन काफ़ी पहले से हो रहे हैं तो अभी शायद ख़त्म होने वाले हैं तो थोड़ा हम भी जाते हैं कीर्तन में और बाकी हम घर पर तो मिल के आ गए हैं दीदी लोग हमें इधर ले के आ गए और शादी के ना सारे फंक्शन वेडिंग पॉइंट में ही हैं और कीर्तन भी अभी वेडिंग पॉइंट में ही हो रहे हैं वेडिंग पॉइंट के रूम है जो और दुल्हन को मेहंदी भी लग रही है इधर ही तो सबसे पहले जाएंगे हम कीर्तन में I'm gonna go get some more.
और अब यहाँ पे चाय पकौड़े की भी व्यवस्था हो रखी है और अब हम जा रहे हैं चाय पकौड़े खाने। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और यहाँ से आगे का वीडियो आपको कल के नए ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं सुमन रावत मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।